हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिंपल फूड में। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है बैगन की एकदम झटपट बनने वाली सूखी सब्जी। अगर आप भरता नहीं बना के खाना चाहते हैं तो बैगन को इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी और बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक बड़ा साइज का बैगन, जिससे एक या दो लोगों के हिसाब से सब्जी बड़ी आसानी से बन जाती है। और उसके अलावा लहसुन अदरक प्याज वगैरह आपको दिख ही रहे हैं, उनको फटाफट से हम काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह सबको काट लिया है, बैगन को नहीं काटा है, इसको मैं लास्ट में काटूंगी क्योंकि ये काला पड़ जाता है। हमने कढ़ाई रख दी है जिसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा तेल अपनी सब्जी के हिसाब से, जरा सा ही है। इसमें हम डाल देंगे तेज पत्ता और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें हींग, चुटकी भर हींग डालेंगे इसमें हम। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मेथी दाना, ये 5-6 दाने मेथी के दाने हमने ज़्यादा नहीं डाले हैं। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी ये जीरा, 1/2 चम्मच के करीब छोटा चम्मच जीरा है। और लहसुन अदरक और हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी उनको हमने डाल दिया। यहाँ पे मैंने सबको रफली चॉप किया है, आप चाहे तो उसका पेस्ट वेस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज को 2 टाइप से काट लिया था, आप 1 टाइप से भी काट सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा लंबा भी काटा हुआ है, थोड़ा सा स्क्वायर शेप में जो काटते हैं वैसा भी काटा हुआ है। इनको हम जल्दी से फटाफट से भून लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ही करना है हमें, ज़्यादा नहीं करना है, बस सॉफ्ट कर लेना है। तो ये हमारी प्याज हो चुकी सॉफ्ट, इसमें हम डाल देंगे ये बैंगन। बैंगन के मैंने इस तरीके के बारीक बारीक पीसेस किए हैं एकदम पतले पतले, ताकि ये जल्दी से बन जाएगा। बैंगन बहुत जल्दी पक जाता है, अगर आप बारीक बारीक पीसेस करेंगे तो ये सब्जी आपकी 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले थोड़े थोड़े। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक, नमक डालेंगे यहाँ पर स्वाद अनुसार, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और इसको अच्छे से मिला लें। अब नमक डालने से होगा क्या ना, ये अच्छे से जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम पहले नमक इसमें डाल रहे हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें हम बाकी के मसाले भी ऐड करेंगे। तो अभी इसको थोड़ा सा हमें चला लेना है, हम कोई ढक्कन नहीं पकाने वाले सब्जी आज की हमारी, ऐसे ही चलाते चलाते से ये बन जाएगी, ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो ये बैगन हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली हुई है हमने। अब इन मसालों को बैगन के साथ थोड़ा सा भून लेना है ताकि बैगन में इन मसालों का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो ये ऐसे ही चलाते हुए अब ये सब्जी बन जाएगी हमारी। तो ये पहले से ही काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, इनको थोड़ा सा सॉफ्ट और कर लेंगे इसी तरीके से चलाते हुए। अभी आप देख पा रहे होंगे बैगन बड़ी आसानी से टूट रहे हैं, यानी कि ये काफ़ी हद तक हमारी सब्जी बन चुकी है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अभी इसमें मेरे को डालना है टमाटर। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट और हो चुके हैं, तो इसमें हम टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा और चलाएंगे, उसके बाद ये सब्जी हमारी बन जाएगी। आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी खा सकते हैं, ये भी बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा थोड़ा सा इसमें कच्चापन रहता है तो चबाने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं पूरी तरीके से पकाना तो इसे थोड़ा सा और पका लें। मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिए हैं और अब इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दिया है, मैं इसको ढककर नहीं पकाने वाली हूँ। इसको 1/2 मिनट तक मैं इस तरीके से ही पकाऊंगी, इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से ऐड करके और इसको निकालूंगी। तो चलिए इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। ये जो गरम मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मार्केट वाला जो एवरेस्ट का सब्जी मसाला आता है, ये वो है जिससे कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये एकदम ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए इसको डाल दिया है। तो बस ये बनकर तैयार है हमारी सब्जी, इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बनकर तैयार है हमारी झटपट बनने वाली बैगन की सूखी सब्जी, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है बहुत कम समय में। मुझे लगता है शायद इसमें 5 मिनट का टाइम लगता होगा, क्योंकि बैगन हमारे बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।